फिर सड़कों पर टायर जला के क्या होगा? क्या जरूरत है ईडी दफ्तर के बाहर? दूसरा सवाल आपका जायज है, आप कह रही हैं कि ईडी के दफ्तर में जवाब नहीं दे रहे, कैसे नहीं दे रहे? आज तीसरा दिन है राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं, 12-12 घंटे बैठकर जवाब दे रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए उसका राष्ट्रीय कार्यालय एक मंदिर के समान होता है, पूजनीय होता है। देश के एक एक कोने कोने से एक कार्यकर्ता आता है अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए। आज वहां पर पुलिस की घुसपैठ हो गई। कौन सा सर्च वारंट था, कौन सी तराशी का वारंट पुलिस के पास था? आप कह रही हैं अंदर गए पकड़ा बाहर आ गए, अंदर घुसे कैसे? मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पुलिस को किसने ये इजाजत दी कि वो अंदर घुसेंगे बिना सर्च वारंट के? मेरा पहला सवाल है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी जी कितने डरे हुए शासक हैं। और तीसरा सवाल, इन्होंने जो बात कही मैं समझती हूं बिल्कुल इस पर जवाब देना जरूरी है। मोदी जी की जान माल की सुरक्षा की चिंता जितनी आपको है गौरव भाटिया जी, हमें भी उतनी चिंता। शेख हुसैन को पार्टी से निकाल रहे हैं, मैं सुन लीजिए आप पूरी बात। शेख हुसैन को मोदी जी राजनीतिक रूप से उन्हें ध्वस्त करना, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को ध्वस्त करना, संघ की विचारधारा को ध्वस्त करना, ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। पर अगर आप शेख हुसैन को ध्वस्त कीजिए ना, जो खुली चुनौती दे रहे हैं, सुन तो लीजिए। आप नूपुर शर्मा को किया अरेस्ट किया अभी तक? आप कह रही इनको अरेस्ट नहीं किया, उनको अरेस्ट नहीं किया, उन्होंने तो पूरा एक अरेस्ट करने नहीं बोल रहे मैडम, हम पूछ रहे पार्टी से निकालेंगे नहीं निकालेंगे? जरूर कर। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द वो गाली हम सुना भी नहीं सकते। याद है अंजना जी गुजरात का पिछला चुनाव याद है? एक शब्द बोला था मोदी जी के खिलाफ, हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर नहीं था, हमने सस्पेंड किया बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहते हैं, जब शशि थरूर जी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, जब राहुल जी को हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं, खूनी पंजा कहते हैं कांग्रेस के निशान को, तो क्या मोदी जी पर कार्यवाही होगी? जवाब दीजिए गौरव भाटी। और एक लाइन और जोड़ देती हूं क्योंकि ईडी पर ही सवाल है। मोदी जी जब श्रीलंका में जाकर अडानी जी को वहां पर ठेका दिलाने की बात करते हैं, जब उनके चंद्र मित्रों की आमदनी 30 लाख करोड़ बढ़ जाती है, उनका क्या घालमेल है, क्या मिली भगत है अडानी जी के साथ? जवाब दीजिए। इस पर ईडी का समन आएगा? आरोप है गौरव भाटिया जी की सिर्फ ईडी के नोटिस विपक्षी नेताओं को जाते हैं। ठीक अंजना जी, मैं प्रयास करूंगा। कुछ बातें पूछी गई हैं, कुछ मेरे सवाल थे। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं करी एफआईआर चार्जशीट, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब ये मान लिया कि भ्रष्टाचारी है गांधी परिवार। मैंने ये भी पूछा था 60 लाख का प्रति माह रेंट आ रहा है एक संपत्ति से, आज वो यंग इंडिया के कंट्रोल में है, इन्होंने उस बात पे भी कोई उत्तर नहीं दिया। मैं मान लूंगा कि जो भ्रष्टाचारी खानदानी चोर परिवार है ये 60 लाख रुपए का रेंट ले रहा है। एक मिनट, बीच में नहीं बोला था मैंने बीच में नहीं बोला ठीक ठीक पूरा मैंने बोला था क्या पूरा करने दीजिए। गौरव जी बोलिए, मैंने गौरव जी बोलिए ये तरीका गलत है, आप फिर से उनको बुलवाइए, कोई बात नहीं, धन्यवाद। देखिए होता क्या है कि जब आप राहुल गांधी से कानून और विधिक पढ़ाई करते हैं तो आपको जानकारी थोड़ा कम होती है। मैं दुरुस्त कर देता हूँ, मेरी साथी है, मेरा फर्ज बनता है मैं दुरुस्त करूं। इन्होंने कहा एफआईआर नहीं हुई है, इनको यह भी नहीं पता है। पी चिदम्बरम जी से पूछ लीजिएगा, अभिषेक मनु सिंघवी जी से पूछ लीजिएगा, जब सीबीआई और ईडी जांच करती है ना, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी होती है, उस पर भी जांच और इंटरोगेशन हो सकता है जो एफआईआर से शायद पहले होती है, ये नहीं पता मेरे अधिवक्ता साथी को। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 7 साल से क्या कर रहे थे और गलत हुआ। अंजना जी आप मुझे बताइए, अगर इनका ये कहना है एफआईआर नहीं हुई और क्लीन चिट पहले दे दी गई थी, क्या अंजना जी नागरिक ये नहीं कहेगा कि आप सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोबारा चले जाइए, रोक लगवा लीजिए? 3 दिन से पूछताछ हो रही है, आप क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए अंजना जी, मैं आपको बता दूं 2 तथ्य और। 60 लाख का रेंट भी मैंने आपको बताया, मैंने ये भी बताया कि किस तरह से 1 रुपया नहीं दिया, 2000 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अपने नाम करा ली। 2 बातें और हैं, डोटेक्स एक हवाला कंपनी है, ये 1 करोड़ रुपया देती है यंग इंडियन को। मैं पूछना चाहता हूं यंग इंडियन की उस दिन की हैसियत क्या थी? 1 रुपए की कमाई नहीं थी, असेट नहीं था, 1 करोड़ रुपया क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी इसलिए हवाला के रूप में लिया गया। दूसरी बात, आपको मालूम है
जब 1 करोड़ रुपए का ये चेक दिया गया डोटेक्स द्वारा, तो यंग इंडिया का अकाउंट भी नहीं था अंजना जी, जिस कंपनी का अकाउंट नहीं था, ये कह दे कि मैं गलत कह रहा हूं। और तीसरी बात, जो 50 लाख रुपए इन्होंने कहा कि यंग इंडिया दे रही है कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ के लोन के एवज में, तो उस दिन शेयर ट्रांसफर इनके उससे कुछ माह पहले हो गए, 9 करोड़ शेयर ट्रांसफर करे इन्होंने यंग इंडिया, लेकिन ये चेक दिया गया बाद में। आपने कभी ऐसा ट्रांजैक्शन देखा है? इसीलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और मैं एक बात और करूंगा, ये प्रश्न मेरा पूछने का है, आप बताइए, 2 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं, और छत्तीसगढ़ में जहां पे नक्सली हमला हो सकता है, जहां पे कोई भी ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति आ सकती है, राजस्थान है, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गौरव जी, चिदंबरम पे ईडी का केस हुआ, 8 करोड़ की गोभी वो गमले में उगा रहे। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप प्रश्न पूछिए, एक काउंटर क्वेश्चन, एक मिनट काउंटर क्वेश्चन पूरी कर लूं, कर लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लीजिए, हाँ लीजिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आप पूछिएगा प्लीज। हाँ अंजना जी, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को बचाने का ये प्रयास है, और किसका रुपया लूटा गया, ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे ना, इन्होंने डोनेशन दिया कांग्रेस पार्टी को, वो 90 करोड़ लोन दिया, आज उन्हीं लोगों से प्रदर्शन करा रहे हैं जो लूटे हैं, आप बताइए ये कहीं और हो सकता है? इसी को चाटुकारिता की पराकाष्ठा कहते हैं।